गीता वेद शास्त्र सब कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा ना वही मिलेगा। एक बस में बहुत से यात्री बैठे थे, बोलना पड़ेगा, और वो वैष्णो देवी जा रही थी। तो रास्ते में एक भगत उस बस में सवार हुआ और सबको लड्डू देने लगा, बोलना पड़ेगा। अगर हमें नहीं मिलता तो हम ये सोचते हैं कि सबको ना मिले, लेकिन तुम्हारे कहने से, तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होगा, वही मिलेगा जो भाग्य में होगा। अब ऐसा हुआ, उस बस में जितने भी यात्री बैठे थे, जो लड्डू बांट रहा था, बांटते बांटते जब एक व्यक्ति बचा तो वो लड्डू खत्म हो गए। सुन रहे हैं आप? वो लड्डू खत्म हो गए, वो बेचारा उदास हो गया। तो जैसे ही बस चली तो वो कहने लगा, भगवान करे ऐसा गोला पड़े इस बस पे। तो पास बैठे एक आदमी ने कहा, अरे पागल है तू, बेवकूफ है तू, क्या मिलेगा? और मिले ना मिले, चल तेरी बुद्धि खराब, लेकिन कम से कम इतना तो समझ, अगर इसके ऊपर कोई गोला पड़ा तो सब मारे जाएंगे, तू बचेगा? तो वो कहता ना, हाँ लड्डू के समय भी तो बच गए, जब लड्डू बट रहे थे तब भी तो बच गए। अब ऐसी ऐसी बुद्धि, क्यों? संस्कार नहीं है। जिस खेत में बारिश ना हो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार ना हो वहां की नस्लें नष्ट हो जाती है। पति क्या कर रहा है पता ही नहीं, पत्नी क्या कर रही है पता ही नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। क्यों? पता ही नहीं, ये पता ही नहीं, एक दिन तुम्हारा अता पता सता पता ही बोलना पड़ेगा, पता ही नहीं। अब कई तो जाके ये पूछेंगे कि गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा, गीता की किताब कहाँ मिलेगी, बोलना पड़ेगा। अगर तुमने सनातन धर्म के ग्रंथों को और मंत्रों को घर में नहीं बढ़ने दिया तो फिर तुम्हारा घर भी अता पता सता हो जाएगा, याद रखना, बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हें और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होने से कोई बचा सकता है तो वो सनातन धर्म ही बचा सकता है, बोलना पड़ेगा। भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर सत्संग होते हैं, कथाएं होती हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। और बाहर भी जा रहे हैं तो भारत वाले ही जा रहे हैं कथाओं को लेकर, और विदेश की व्यक्तियों ने अगर भगवान को पाया है तो उन्हें भारत में आना पड़ा है। तो भारत और भारत का सनातन धर्म। अच्छा एक बात बताना, तुम चाहते हो, या मैं वैसे ही बोले जा रही हूँ, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद हो? कौन कौन चाहते हैं, हाथ उठाना। तुम चाहते हो तुम्हारे घर से डॉक्टर दूर हो जाए, झगड़े दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए? तो बस हमारी सभ्यता संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ और मंत्रों को अपनाइए। जितना बताया है उतना करिए, असर होगा, जबरदस्त होगा, बोलना पड़ेगा हमारा। महाभारत का युद्ध कहते हैं कि जो ये दिल्ली है यही हस्तिनापुर है, बोलना पड़ेगा हमारा। याद रखना इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा। अब कहोगे साधु जी ये बात तो हमें भी पता है और कथाओं में भी सुनते, चाहे कितनी ही बार सुनो ना सुनो ये सच्चाई है। साथ जाएंगे तुम्हारे कर्म, और जाना कहीं नहीं है, इसी संसार में आना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवान इतना सुंदर देश विदेश संसार नहीं बनाते अगर ये बुरा होता तो। क्यों? तुम्हारी समझ के कारण, तुम्हारे विचारों के कारण ही तुम्हें ये अच्छा और बुरा लगता है, बोलना पड़ेगा। तो तुम्हारे घर का खान पान और तुम्हारी संगत अच्छी होनी चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी संगत वैसी शोभा, बोलना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध हुआ उसी घर में पांडव पले हैं और उसी घर में कौरव पले हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर, पांडवों के जीवन में संस्कार है, धर्म है, और कौरवों के जीवन में अधर्म है। दुर्योधन मामा शकुनी की संगत करता है, बोलना पड़ेगा।
और जैसे संगत वैसे शोभा। अर्जुन पांडव कुंती जीवन में जो भी समस्या आए तो किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास। और दुर्योधन मामा शकुनी पहले ही परेशानियों को बुला लाता। तुम भी अगर सनातन धर्म को ना पूज कर दूसरे धर्मों को पूजोगी तो परेशानियां लोटा भर भर आएंगे, बोलना पड़ेगा वाला। अब चाहे अलमारियों में रखना या अपने बेडों को खोल खोल के उसमें घुसा लेना। केवल और केवल सनातन धर्म, हनुमान चालीसा, गीता का पाठ, भागवत, भागवत के श्लोक और गायत्री मंत्र, दुर्गा चालीसा, इनकी आवाज आपके घर से आनी चाहिए और ये आपको याद होने चाहिए। क्यों? बच्चों को तभी तो सिखाओगे जब खुद को याद होगा। और आपका बच्चा केवल आपकी बात मानता है। एक व्यक्ति रोज मंदिर में जाता था, बेटे को भी ले जाता उंगली पकड़ के। वो रोज आरती करता। एक दिन रास्ते में उसने पूछ लिया, बेटा मुझे तो आरती आती है, मैं तो भगवान की आरती कह के आता हूँ, तू क्या करता है? तो कहता, पापा मैं अपना पाड़ा सुनाता हूँ भगवान, मैं अपना, बस घर में मंदिर हो, भगवान हो, और उस भगवान के आगे बनना मत।